फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात कर रहा हूँ किस तरीके से आप अपने फ़ोन में फ्लिप टू साइलेंस वाले सेटिंग को आप किस तरीके से इनेबल या फिर डिजेबल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर यही बात करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में घंटे का ऑप्शन आया तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो आप देख सकते हैं इस फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। फ्लिप टू साइलेंट क्या होता है, जैसे कि आपका कॉल आ रहा हो तो बस इस तरीके से आपको बैंड कर देना है। जैसे आप बैंड करेंगे तो आपका जो डिवाइस है वो साइलेंस हो जाएगा, उसी को बोलते हैं फ्लिप टू साइलेंस। तो इसको इनेबल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आज के वीडियो में यही से बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे डायल पैड पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक कर लेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, नीचे और भी ऑप्शन देखने को मिलता है, बट आपको क्या करना है यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ, आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे फ्लिप टू साइलेंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं इनकमिंग कॉल को। आप इसको इजीली इन फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप की जानकारी आपको पसंद आई होगी।